मैं डॉक्टर एस पांडे आप सभी को इंडियन सोसाइटी के क्लास में वेलकम करता हूं और आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं आज मैं आपके सामने अपना सेक्शन लेकर के उपस्थित हुआ हूं जीएस पेपर वन इंडियन सोसाइटी और इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे लेकिन आज चूंकि पहला क्लास है तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम लोग कुछ डिस्कशन करें कुछ बातचीत करें और हम लोग एक दूसरे से परिचित हो जाए आप लोग पहले मेरे बारे में परिचित हो मैं जिस विषय को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको मैंने 1983 से पढ़ना शुरू किया है जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे समय में इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ करता था और इंटरमीडिएट कॉलेज में ही हम लोगों की पढ़ाई होती थी और उसी समय से मैंने अपने अब सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी को चूज किया था और सोशियोलॉजी के साथ मैंने पढ़ाई शुरू की थी और 1993 से मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया बच्चों को तो लगभग 30 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और 40 साल हो गए इस विषय को पढ़ते हुए तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस विषय में कहीं से भी आपको नॉलेज के लेवल पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन बना रहे तो मैं आज आपसे आपका क्लास शुरू करने के पहले कुछ जानना चाहूंगा आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिएगा टीचिंग दो तरह से की जा सकती है एक आपको खुश करने के लिए और एक आपको पास कराने के लिए तो बस मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आपको खुश करने के लिए मैं पढ़ाऊं या आपको पास करने के लिए पढ़ाऊं क्योंकि जैसे ही आपकी राय मेरे सामने आएगी तो वही तरीका हमारा होगा आपके पढ़ाने का हालांकि मैं अपने तरीके से ही पढ़ाऊंगा बट मैं आपकी राय को जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं <coughs> आप अपना विचार चैट बॉक्स में डालते जाइए अगर पहला ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है कि मैं आपको खुश करने के लिए पढ़ाऊं तो आप ए लिख के आप हमें चैट पे शेयर कीजिए और दूसरा ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है तो बी लिख करके आप चैट में भेजिए बी का मतलब होता है कि मैं आपको पास कराने के लिए पढ़ाऊँ ठीक है आप बीस पच्चीस सेकेंड आपको है आप भेजिए फटाफट सबकी इच्छा है इस परीक्षा को पास करने की तो निश्चित तौर पे वैसे भी आप लोग नहीं भी लिख करके भेजते तो मैं प्रयास यही करता कि आपको मैं पास कराने के लिए ही पढ़ाऊं ताकि आप इस एग्जाम को पास करें तो सबसे पहले थोड़ी बहुत चर्चा इस एग्जाम के बारे में हो जाए मैं अपने आज का डिस्कशन इस एग्जाम के बारे में मैं रखूंगा और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके कुछ कुछ मुद्दों पर आपसे डिस्कस करूंगा और आपको अपनी बातों को बताने का प्रयास करूंगा। जिस एग्जाम को आपने सेलेक्ट किया है देने के लिए पास करने के लिए आप जानकारी है सिविल सेवा परीक्षा और इस परीक्षा को पास करने के बाद आदमी आईएएस बनता है आईपीएस बनता है आईएफएस बनता है और जिला के कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग होती है एसपी के रूप में पोस्टिंग होती है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत का सबसे प्रेस्टीजियस जॉब है और सबसे प्रेस्टीजियस जॉब के लिए जो एग्जाम का लेवल होगा वो कैसा होगा ये भी हमें आपको समझाने की जरूरत नहीं इसलिए सबसे पहले मैं अपेक्षा करूंगा कि इस परीक्षा को यदि सीरियसली आपको देना है और इस परीक्षा को पास करना है तो आपको गंभीर होना होगा आपको एक योद्धा की तरह जो भी आपका दो साल तीन साल की तैयारी है करनी होगी तभी जाकर के आप इस एग्जाम को पास कर पाएंगे इसलिए आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए आप इसके लिए तैयार रहिए हार्ड लेबर बेसिक फैक्ट है हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत मेहनत करने के बाद टेंथ में आप 98 एट परसेंट नाइन्टी परसेंट लाते हैं बहुत मेहनत करने के बाद आप ट्वेल्थ में 98 एट परसेंट नाइन्टी परसेंट ले आते हैं बहुत मेहनत करने के बाद ही आप आईआईटी का एग्ज़ाम पास करते हैं मेडिकल का एग्जाम पास करते हैं तो निश्चित तौर पे भारत के सबसे प्रेस्टीजियस जॉब के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ये फैक्ट है तो आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए बाकी हम सभी टीम का कॉपरेशन आपको मिलता रहेगा मैं दोबारा ये बात दोहराना चाहूँगा पहले भी हमारे सपाठी शिक्षकों ने आपको बताया होगा कि भारत के सबसे टॉप टीम की ये मंच बनी हुई है और आज पूरे भारत में ये मंच चर्चा का विषय है और मैं थैंक्स बोलूँगा सर को जिन्होंने जितने भी एक्सपीरियंस शिक्षक हैं उनको लाकर के इस मंच पे खड़ा किया ताकि आपको एक बेस्ट टीचिंग मिल सके बेस्ट मेंटरिंग मिल सके बेस्ट गाइडेंस आपको मिल सके ठीक है और ऐसे शिक्षकों से पढ़ने के लिए निश्चित तौर पे आपको भी गंभीर होना पड़ेगा मैं हूं या बाकी भी लोग हैं आप पढ़ रहे हैं थोड़े से पुराने हो जाने पर थोड़ा शिक्षक उबाऊ हो जाते हैं बच्चा लोग लेकिन आपको पता है कि पढ़ना एक उबाऊपन वाला ही काम है बहुत पढ़ना बहुत मेहनत करना पसंद नहीं आता है शुरू से ही आपने महसूस किया होगा लेकिन अगर पढ़ लेते हैं आप किसी तरीके से अपने आप पर नियंत्रण करके और आप लगातार मेहनत करते हैं कंटिन्यू रखते हैं तो जो रिजल्ट आपको मिलता है वो भी शानदार होता है आप कल्पना कर सकते हैं आई ए एस आप बनेंगे आप अपने जिले के डीएम होंगे आप अपने जिले के एसपी होंगे तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तो उस जिले का सबसे अमीर से अमीर व्यक्ति चाहेगा जिसके पास बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज करोड़ों की गाड़ियां हैं तो आपके साथ बैठ करके एक कप कॉफी पीता आप उसको अवसर शायद न दे वो ललायित रहेगा कि आप उसको अपने साथ बैठा करके एक कप कॉफी पिलाए तो निश्चित तौर पे ये सपना ये ड्रीम आपके पास हमेशा बना रहना चाहिए दिन में रात में सोते समय हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये हमारा ड्रीम है इसको हमें किसी न किसी रूप में साकार करना है और इसके लिए इस एग्जाम को क्रिक करना है इसके लिए इस एग्जाम को पास करना है ठीक है आपके चैट मेरे सामने आ रहे हैं और सभी बच्चे ने यही लिखा है कि पास करने के लिए पास करने के लिए पास करने के लिए अच्छी बात है ठीक है ये एग्जाम के बारे में थोड़ा समय अब कुछ आपके साथ थोड़ा इस एग्जाम पे डिस्कशन करता हूं थोड़ा थोड़ा क्योंकि बहुत से आ, हमारे सहपाठी शिक्षक हमारे कलीग और बहुत पहले से ही इसके बारे में आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं तो मैं फास्ट लेकर के चलूंगा लेकिन थोड़ी थोड़ी चर्चा में इस पे करता चलूंगा ठीक है सबसे पहले इस एग्जाम को दो स्तरों पर कंडक्ट कराया जाता है बच्चा एक केंद्र स्तर पर सेंट्रल लेवल पर एक एग्जाम होता है ठीक है और दूसरा स्टेट लेवल पर एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल पर जो बच्चे एग्जाम पास करते हैं आई के लिए आई के लिए आई के लिए सेलेक्ट होते हैं आई के लिए सेलेक्ट होते हैं और स्टेट लेवल पर जो एग्जाम बच्चे पास करते हैं हर स्टेट का अपना स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है और वहां पर एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है और जो बच्चे उस एग्जाम को पास करते हैं वो एस डी आदि पदों पर चयनित होते हैं तो दोनों अपनी अपनी जगह पर प्रेस्टिजियस है सबसे टॉप में सेंट्रल लेवल का और उसके बाद आपका स्टेट लेवल का ठीक है ये सब जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ऑलरेडी आप पहले से जान चुके हैं बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा व्रीप करता चलूंगा ये तीन स्तरों पर एग्जाम होता है बच्चा फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम होता है इसके बाद मेंस होता है और इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है पहले वाले एग्जाम में लगभग पाँच छः सात आठ नौ लाख लोग अप्लाई करते हैं लगभग पाँच छः लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और लगभग सेकेंड लेवल के लिए इसमें से लगभग सोलह सत्रह हजार लोग मेंस के लिए चुने जाते हैं यानी बाकी बच्चे डिस्कालीफाई होते हैं पंद्रह सोलह हजार बच्चे सीट के अकॉर्डिंगली मेंस के लिए चयनित किए जाते हैं और फिर जो बच्चे मेंस लिखते हैं उनमें से लगभग तीन हजार बच्चे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं और फिर ये तीन हजार बच्चे ढाई हजार तीन हजार बच्चे अगर एक हजार सीट है तो लगभग थ्री टाइम इंटरव्यू के लिए बच्चे सेलेक्ट होते हैं और फिर ये बच्चे इंटरव्यू देते हैं और फाइनली जो सीट होता है एक हजार अगर सीट है तो एक हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है और अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद सबसे बड़ी आ, ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद अगर आप नहीं होता है किसी न किसी कारण से तो फिर पूरी प्रक्रिया आपको दोहरानी पड़ती है फिर से प्रीलिम्स फिर से मीन्स फिर से इंटरव्यू ये आपके एग्जाम का स्ट्रक्चर है और मुझे लगता है कि ये सब कुछ आपको पहले से पता है फिर भी मैंने ब्रीफ कर दिया तो पांच लाख छह लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और उसमें एक हजार सीट है तो निश्चित तौर पे एग्जाम गंभीर है और आपको भी इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा मैं ये बात आज बता रहा हूं क्योंकि मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा कि सीरियस रहिए पढ़ाई कीजिए जुझारू बनिए मेहनत कीजिए सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी अब हम लोग इस एग्जाम के स्टेप के बारे में अगर हम बात करें तो ये एग्जाम का जो तीन लेवल है ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चा ये लेवल है पहला प्रारंभिक परीक्षा है फर्स्ट लेवल हमारा है इसमें दो पेपर होता है जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू दोनों पेपर दो दो सौ नंबर का होता है दो सौ नंबर का पेपर होता है एक को हम सीसेट भी कहते हैं जीएस पेपर टू को हम सी सेट भी कहते हैं और इसमें थ्री थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट डिसक्वालीफाइंग मार्क्स होता है इसको केवल क्वालिफाई करना होता है और पेपर वन जो है आपका जनरल स्टडीज उसमें दो सौ नंबर के सौ क्वेश्चन होते हैं और उसी पर आपकी मेरिट बनाई जाती है अलग अलग सालों में अलग अलग कट ऑफ आता है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ आता है लेकिन जनरल कैटेगरी के अगर बच्चे हैं तो 110, 115, 120 अगर वो करके सिक्योर करके आते हैं तो आराम से उनका सिलेक्शन हो जाता है और 100 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन करना कोई टफ काम नहीं है यदि आप गंभीरता से पढ़ाई किए प्रम्स के बाद आप मींस में आते हैं मीन्स में एक जनरल स्टडीज का पेपर है पेपर नहीं खंड है जो एक हजार नंबर का है इसके अंतर्गत चार पेपर होता है पेपर वन ढाई सौ पेपर टू ढाई सौ पेपर थ्री ढाई सौ पेपर फोर ढाई सौ इसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है पांच सौ अंकों का दो पेपर होता है पेपर वन पेपर टू इसके बाद एक निबंध होता है आपका और इसके बाद एक अनिवार्य विषय छह सौ अंकों का होता है तीन तीन सौ अंकों का दो पेपर होता है एक आप इंग्लिश कंपलसरी उसमें रहता है जो कि आपको लेना ही होता है इसके बाद दूसरा जो होता है कोई भी व्यक्ति अपना रीजनल लैंग्वेज लेता है आप चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो आप हिंदी रखते हैं अगर कोई गुजरात का है तो गुजराती रखेगा कोई महाराष्ट्र का है तो मराठी रखेगा इस तरीके से ये पेपर टोटल होता है और इंटरव्यू आपका दो अंकों का होता है इसको पास करने के बाद आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं 275 अंक का इंटरव्यू होता है और मेंस और इंटरव्यू दोनों के अंक को क्लब करके आपका रिजल्ट बनाया जाता मैं इस पर बहुत गहराई में जाकर के एनालिसिस करने के बजाय दोबारा केवल दोहराव किया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि पहले इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है ठीक है बट एक बार फिर से मैंने आपको रिपीट करा दिया कि यही है इस एग्जाम का पैटर्न ठीक है अब हम इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में थोड़ा थोड़ा देख ले पेपर वन जीएस प्रीलिम्स के सिलेबस पे हम आते हैं तो जीएस पेपर वन दो घंटे का पेपर होता है और इसमें जो पढ़ना है यही टॉपिक आपके सामने दिया हुआ है भारत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं दूसरा है भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट के बारे में आप पढ़ते हैं तीसरा है भारत और विश्व भूगोल भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल ये जग्रफी में आप पढ़ते हैं चौथा है भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान राजनीतिक प्रणाली पंचायती राज लोक नीति अधिकार संबंधी मुद्दे ये सारे के सारे आपके इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है और पांचवा है आर्थिक विकास और सामाजिक विकास यहां पर सिलेबस में दो कर दिया है आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफरेंट एंड सोशल डेवलपमेंट इज डिफरेंट इसमें सोशल डेवलपमेंट के भी प्रश्न इसके साथ क्लब किया हुआ है सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें आर्थिक विकास एक इकोनॉमी एक एक का पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं गरीबी समावेशन इकोनॉमी में भी हम पढ़ते हैं समावेशन सोशल जस्टिस में जो चीज पढ़ते हैं हम लोग उसमें से बहुत सारी चीज़ें प्रिलिम्स में योजनाएं हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाती है डेमोग्राफी इंडियन सोसाइटी में हम जब डेमोग्राफी पढ़ते हैं इसमें मीन्स के भी सवाल होते हैं और प्रिलिम्स के भी सवाल पूछे जाते हैं और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल का मतलब हुआ कि सामाजिक क्षेत्र में जो भी योजनाएं बनाई जा रही है सामाजिक क्षेत्र में जो भी संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान स्पेशली किए जा रहे हैं वैधानिक प्रावधान जो जो नए नए कानून बनाए जाते हैं जो समाज के अलग अलग पक्षों से जुड़ा हुआ होता है जैसे मान लीजिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम जो 2013 में बनाया गया 1 जनवरी 14 से लागू हुआ इस तरह के जो कानून हैं वो जनरली पॉलिटी में नहीं पढ़ाया जाता वो जनरली अलग अलग जगहों पर अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलता है तो वो भी हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि प्रिलिम्स में वो एरिया भी कवर होता है तो वहां से भी प्रिलिम्स में सवाल पूछे जाते हैं इसके बाद आपका पर्यावरणीय परिस्थिति की जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत बिसेगत, विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है इसमें इन्वॉर्मेंट के सवाल है और अगला है जनरल साइंस इस तरीके से सात पॉइंट आपके सामने रखा हुआ है और ये सातों पॉइंट प्रीलिम्स के सिलेबस है जीएस पेपर वन के अब आता है जीएस पेपर टू इसमें सीसेट के हैं और मैं यहां पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सीसेट जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें इसकी चर्चा होगी इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है रीजनिंग है कॉम्युनिकेशन स्किल है ये सारी चीजों का पढ़ाई इसमें आपको होगा पढ़ना होगा और इससे सवाल पूछे जाएंगे ये क्वालिफाइंग होगा अब हम लोग आते हैं बच्चा आपका मींस ठीक है मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा जब हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो जीएस पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री और पेपर फोर चार पेपर है और आज हम लोग जीएस पेपर वन पढ़ने जा रहे हैं जीएस पेपर वन में इंडियन सोसाइटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जीएस पेपर वन के तीन खंड है एक हिस्ट्री है एक इंडियन सोसाइटी है दूसरा खंड तीसरा खंड है भूगोल जग्रफी इसके बाद जीएस पेपर टू में आप जाते हैं तो एक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है है, सोशल जस्टिस है और लास्ट खंड है इंटरनेशनल रिलेशन आईआर पेपर थ्री में जब आप जाते हैं तो इकोनॉमी है आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दे जिसको आप इंडियन इकोनॉमी कहकर पढ़ते हो इंडियन इकोनॉमी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है बायोडाइवर्सिटी है इन्वायरमेंट और जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट है आपदा प्रबंधन है और इनसे संबंधित मुद्दे हैं और इसमें लास्ट में है इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा डन इसके बाद आपका जीएस पेपर फोर है यह है एथिक्स के नाम से इसको हम जानते हैं नीतिशास्त्र सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि और एथिक्स का क्लास मेरे ख्याल से चल रही है आपकी ये एथिक्स का पेपर है जो धर्मेंद्र सर आपको पढ़ा रहे हैं यही है बच्चा चार पेपर और चार पेपर में हमारा जो हम लोगों को पढ़ना है मेरी जो भूमिका होगी वो यहां भारतीय समाज में होगी मेरी भूमिका यहां पर जो सामाजिक न्याय में होगी जहां जहां मेरे विषय की जरूरत है और फिर मेरी भूमिका यहां आंतरिक सुरक्षा में होगी ठीक है और मैं प्रयास करूंगा कि ये तीनों सेक्शन में कहीं से किसी भी स्तर पर आपको परेशानी नहीं हो कम से कम इस तीनों सेक्शन में आप बेस्ट करें ये मेरी टीचिंग की सफलता है अगर मैं नहीं करवा पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं कमी है मेरे स्तर पर और अगर मेरे कराने के बाद आप सफल होते हैं तो ये आपकी सफलता है और अगर आप नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कमी को स्वीकार करना होगा डन ये है बच्चा एक सिलेबस का ओवरव्यू पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री और पेपर फोर ठीक है अब हम लोग आते हैं मीन्स पर अभी हम मींस पर फोकस्ड होते हैं प्रीलिम्स को छोड़ते हैं और मीन्स के कट ऑफ पे आते हैं तो एक आइडिया केवल हमको आपको देना है कि टोटल मीन्स आपका है एक हजार अंकों का जीएस वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का ऑप्शनल सब्जेक्ट 1500, 250 है आपका एस ए सत्रह 1750, और फिर दो है आपका इंटरव्यू तो टोटल 2025 नंबर का 2025 नंबर्स मेंस के हैं दोनों को इतने नंबर में आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाता है ये सिलेक्शन का कट ऑफ है बच्चा और जो कटऑफ गया है वो आपके सामने है 2021 में ये कट ऑफ मेंस का साढ़े सत्रह सौ का 2021 में 745 ये मेंस का कट ऑफ था यानी 745 पे इंटरव्यू कॉल हुआ था ये जनरल कैटेगरी का है यहां कैटेगरी दी गई है सामान्य वर्ग से लेके अलग अलग वर्ग की ओबीसी का 707 यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है 745 है तो 707 है 2020 में 736 था 2019 में सात सौ है सात है तो अगर हम कहें इधर थोड़ा ज्यादा है बट इधर घट रहा है तो अगर हम कहें कि 800 का अगर आप टारगेट लेते हैं 800 का अगर आप टारगेट लेते हैं कितने में साढ़े सत्रह सौ में यानी फिफ्टी परसेंट से भी कम यानी अगर 45 परसेंट आप अचीव करते हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल होता है लेकिन आप 45 के क्यों फिफ्टी का टारगेट लीजिए आप साढ़े आठ सौ का टारगेट लीजिए ताकि अगर किसी कारण से थोड़ा बहुत अंक आपका कम भी हो तो आपका सिलेक्शन न रुके इंटरव्यू में यदि आपका अंक थोड़ा कम हो तो भी आपका सिलेक्शन न रुके इसलिए साढ़े आठ सौ लाना कोई टफ काम नहीं है आप बी ए पार्ट वन पार्ट टू पार्ट, पार्ट थ्री या अन्य एग्जाम देते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि फिफ्टी परसेंट लाना कोई टफ काम नहीं है आप फिफ्टी परसेंट लाते हैं सिक्सटी परसेंट में फर्स्ट डिविजन पाते हैं और वही सारा का सारा पेपर है और इसमें आपको सेलेक्ट होने के लिए फिफ्टी परसेंट ले आना है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर गंभीरता से आप पढ़ते हैं ईमानदारी से आप पढ़ते हैं तो फिफ्टी परसेंट कोई बहुत आ, टफ टारगेट नहीं है उस फिफ्टी परसेंट को हम लोग अचीव कर सकते हैं ये है आपका फिर अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग आपका कट ऑफ है बाकी को हम भूलते हैं जनरल पे ही आते हैं जनरल ओबीसी और एस सी तो एस में आपका सात सौ है और एस में भी आपका सात सौ है तो सात सौ पैंतालीस सात सौ सात सात सौ और सात तो सौ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है हमारे लगभग चार कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए यही है आपका मेंस का कट ऑफ एक ओवरऑल व्यूज मैंने आपको दे दिया अब इस परीक्षा की तैयारी की रणनीति पे आज मैं डिस्कशन नहीं करूंगा ठीक है बच्चा हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आ जाएंगे या मैं कर दूं थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत अगर आप कहोगे तो मैं इस पर ब्रीफ कर सकता हूं पांच पॉइंट है मैं चाहूंगा कि आप लिख लो लाइए आप एक हेडिंग डालिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की रणनीति मैं जानता हूं पहले से आप लोगों ने स्ट्रेटेजी बना रखी होगी तो मेरा बताना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये मुझे नहीं मालूम बट फिर भी मेरी इच्छा है कि आप पाँच मिनट का समय दीजिए पाँच से दस मिनट और हम लोग इस पर थोड़ी सा डिस्कशन करें कि हम लोगों को इस परीक्षा की तैयारी में क्या क्या सावधानी बरतनी है क्या क्या करना है यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर तैयारी की रणनीति कर दीजिए चलिए करते हैं बट मैं चाहूंगा कि इसको आप लिखें। सिलेबस वगैरह तो मैंने आपको भिजवा दिया है चार फाइल मैंने आपको दिया है क्योंकि आपका नोट्स मैं खुद तैयार कर रहा हूं ताकि कहीं से भी किसी भी तरह की समस्या आपको न रहे चार फाइल मैंने आपको दिया है फर्स्ट फाइल है आपका सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है मिल गया होगा मिल गया है सेकेंड फाइल आपका जो है उसमें विषय सूची दिया हुआ है कि इस इंडियन सोसाइटी में जो विषय सूची होता है कंटेंट होता है कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है इंडियन सोसाइटी में कंटेंट पे आपको सेकेंड फाइल मैंने दिया है थर्ड फाइल जो आपका है वो चैप्टर वन है चैप्टर वन में कुछ बेसिक टर्मोलॉजी को डिफाइन मैंने कर दिया है क्योंकि तो हर विषय का अपना विषय वस्तु होता है कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ने जाते हैं तो सब्जेक्ट किसी न किसी सब्जेक्ट मैटर पर फोकस्ड होता है और उसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ाया जाता है उसमें लेकिन पढ़ाते समय पढ़ने में आपको सुविधा हो इसलिए हर सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में कुछ न कुछ टर्मोलॉजी डेवलप करता है कुछ न कुछ कंसेप्ट डेवलप करता है कुछ न कुछ अवधारणाएं डेवलप करता है जिसको हमने परिभाषिक शब्दावली या टर्मोलॉजी शब्द दिया है और अपेक्षा की जाती है कि आप उन अवधारणाओं को समझ लें अवधारणा का मतलब होता है इसका अंग्रेजी शब्द है कंसेप्ट और कंसेप्ट का मतलब होता है बांधना घटनाओं को कुछ शब्दों में बांध देना अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो ताप दाब गति ये सब अवधारणाएं हैं फिजिक्स की इकोनॉमी पढ़ते हो मांग पूर्ति उत्पादन वितरण विनिमय ये सारी की सारी आपकी इकोनॉमी की अवधारणाएं आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो पॉलिटी पढ़ते हो तो राज्य सरकार संघ न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका ये सब उसकी टर्मोलॉजी है दबाव समूह राजनीतिक दल उसी तरीके से जब आप हमारे विषय को पढ़ते हो सोशियोलॉजी पढ़ते हो इंडियन सोसाइटी पढ़ते हो तो इसकी भी सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ टर्मोलॉजी है जिसको कि मैंने आपको तीसरे में दिया है ये तीसरा फाइल आपको पी दिया गया है और एक चौथा है जो चैप्टर टू है चैप्टर टू में हम पहले टॉपिक से शुरुआत किए हैं ये चार फाइल आज आपको दे दिया गया है और मैं चाहूँगा कि इसको आप प्रिंट निकाल लें जहां पर भी हो जिस भी जगह पर हो आप अगर दिल से पढ़ना चाहते हैं गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं तो इसका आप प्रिंट निकालें और अपना मोबाइल जो भी आपके सामने है लैपटॉप जो भी आपके सामने है उसको खोलकर जब आप क्लास के सामने बैठे तो आपके पास एक रजिस्टर हो रजिस्टर हो साथ में वो प्रिंट हो रजिस्टर में जो कुछ भी डिक्टेट किया जाता है उसको आप लिखें और जो आपको प्रिंटेड नोट्स दिया गया है वो बगल में रखें और तब आप अपने क्लास की तैयारी करें जब भी आप क्लास को नोट डाउन करें तो दोनों तरफ में जगह को छोड़े ये जगह एग्जामिनेशन हॉल की कॉपी में भी जो एग्जाम में आपको कॉपी मिलती है उसमें भी दोनों जगह होता है तो लिखते लिखते आप हैबिचुएटेड हो जाओगे तो फिर थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में और सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि बाद में जब कुछ आप नए चीज़ पढ़ते हो कोई आपने अखबार पढ़ा कुछ भी आपने इधर उधर की जानकारी करंट अफेयर से आपको मिला जो आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो जो साइड में आपने जगह छोड़ा है बहुत सारे बच्चे कंजूसी करने लगते हैं एकदम लिखना शुरू करते हैं कॉपी पर तो एक शब्द उसमें नहीं छोड़ते हैं ना दाएं, ना बाएं, लगता है कि पूरा पूरा का पुरा पैसा वसूल करने का। तो मैं कि आप इतना कंजूस न बने आप कॉपी में हमेशा दोनों जगह इतना एरिया जरूर छोड़े जहां पर कि हम बाद में कोई भी नया इंफॉर्मेशन कोई भी करंट अफेयर्स आई डोंट कर सके डन हमने अभी-अभी आपसे अपना परिचय दिया डॉक्टर एस एस पांडे एटी थ्री से पढ़ रहा हूँ नाइन्टी थ्री से पढ़ा रहा हूं फिर मैंने आपको यूपीएससी के एग्जाम के बारे में इसकी गंभीरता के बारे में बहुत शॉर्ट में मैंने आपको ब्रीफ किया प्रिलिम्स के बारे में मेंस के बारे में इंटरव्यू के बारे में फिर प्रीलिम्स के सिलेबस को भी बहुत स्पीडली आपको समझा दिया दिखा दिया इसलिए किया कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं पढ़ चुके हैं पढ़ रहे हैं और फिर मिन्स के पैटर्न पर भी मैंने आपको दिखा दिया कि मींस का पैटर्न क्या होता है मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या होता है इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और इसके बाद इस परीक्षा की रणनीति पर मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं देखो बच्चा जिस एग्जाम को पास करने आप जा रहे हो इस एग्जाम में वो भी हैं आपके कंपटीटर, जिन्होंने ट्वेल्थ में 98 परसेंट लाया, लाया है 99 परसेंट लाया है 100 परसेंट लाया है इसमें वो भी दे रहे है जो हैं जो आईआईटी आई क्वालिफाई किए हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कंपटीशन गंभीर है और इस कंपटीशन में आपको अपने कंपटीटर को ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी की रणनीति बनानी होगी ये कंपटीशन है इस कंपटीशन में यह नहीं होता है कि आप बीए पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री में बीस परसेंट ला दिए तो आप पास कर गए साठ परसेंट प्लस ला दिए तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए ऐसा नहीं होता इस एग्जाम में जितना सीट होता है उतना ऊपर से आपको कैंडिडेट को चयनित कर लिया जाता मतलब हुआ कि इसमें यह मायने नहीं रखता है कि आप किस स्पीड से दौड़ते इसमें यह भी मायने रखता है ज्यादा मायने रखता है कि आपका कंपटीटर किस स्पीड से दौड़ता है यदि आप 100 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ते हैं और आपका कंपटीटर 90 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ता है तो आप जीतेंगे लेकिन यदि आप 100 आपका कंपटीटर 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है तो आप 130 किलोमीटर की रफ्तार से भी दौड़ करके हारेंगे 140 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ के भी हारेंगे इसलिए मैंने कहा कि इसमें मायने नहीं रखता है कि आपकी स्पीड क्या है इसमें मायने रखता है कि आपके कंपटीटर की स्पीड क्या है और मैंने आपको कंपटीटर के बारे में बता दिया ये वो सभी हैं जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं लेकिन ये थोड़ा सा आपको डरावना लग रहा होगा मैं और भी बता दूं एग्जाम में प्रति वर्ष एक हजार सीट होता है अगर हम स्टेट पीसीएस के एग्जाम को भी छोड़ दें तो उसमें भी तीन चार हजार सीट प्लस हो जाता है तो यार चार हजार सीट में आपको एक सीट चाहिए पहले वर्ष नहीं होगा दूसरे वर्ष नहीं होगा तीसरे वर्ष नहीं होगा आप एक तो ला ही सकते हो इसलिए आप भीड़ में मत जाओ कितने कि लोग एग्जाम दे रहे हैं हमारा कंपटीशन कितना टफ है अगर आप फोकस्ड होके पढ़ते हो ना तो इतने में से एक सीट लाना आपके लिए कोई टफ काम नहीं है बच्चा आप कल्पना करो हमारे प्रधानमंत्री का एक ही पोस्ट है और इस पोस्ट पे कितने कंपटीशन है भारत के हमारे कई नेता इस पोस्ट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और सोचो कि वो कितने साहसी हैं कि एक पोस्ट पे कंपटीशन कर रहे हैं कई लोग कंपटीशन करते करते खाब देखते देखते नहीं रहे दुनिया में वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए बट फिर भी आज इन सब के बाद भी कई लोग अड़े हुए हैं लगे हुए हैं कि हम लोग इस एग्जाम को पास करेंगे राजनीति वाला जो एग्जाम है और इस राजनीति वाले एग्जाम को पास करके प्रधानमंत्री बनेंगे तो सोचो वो कितने जीवट है जीवन में हमेशा जुझारूपन ही आपको सफलता दिलाती है अगर आपके अंदर जुझारूपन है लड़ने की क्षमता है जूझने की क्षमता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है अगर आपने ठान लिया कि हमें आई बनना है अगर आपने ठान लिया कि हमें आपको एग्जाम पास करना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है हो सकता है कि एक पहले साल में न हो हो सकता है कि दूसरे साल में न हो हो सकता है कि तीसरे साल में न हो लेकिन सफलता जरूर मिलेगी हो सकता है कि आप टॉप रैंक में ना हो आप थोड़ा रैंक नीचे आए उसके थोड़ा रैंक नीचे आए सफलता जरूर मिलेगी और जब इस सिद्धत के साथ आप लगोगे ना तो यार यूपीएससी नहीं क्वालिफाई करोगे स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करोगे एसडीएम डीएसपी भी बन जाओगे तो कोई आज के दौर में ये नौकरी कोई कठिन खराब नौकरी नहीं है बेहतरीन नौकरी है इस डी बन जाना डीएसपी बन जाना रजिस्ट्रार बन जाना तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क नहीं है बस आपकी सिद्दत आपका जुझारूपन आपका हौसला और निरंतरता के साथ आपके मेहनत करने की क्षमता तो मैं इस एग्जाम को पास करने के लिए बार बार हर बच्चों से यही कहता हूं पढ़ो 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 बाकी हम लोग हैं आपका सहयोग देने के लिए ठीक है चलिए इस एग्जाम में अगर हम खास करके मेंस या प्रीली दोनों पर लागू होगा बट फोकस्ड मैंने मेंस के लिए किया है प्री पर फोकस्ड में नहीं हूं और इसकी पहली स्ट्रेटेजी आप लिखते जाओ इसमें लिखा भी है सामान्य अध्ययन में शामिल सभी विषयों एवं सभी खंडों का अध्ययन करें आप लिखते जाओ सामान्य अध्ययन में शामिल सभी विषयों एवं सभी खंडों का अध्ययन करें जनरली ये गलती हम लोग करते हैं। हम लोग अपने से ये बता देते हैं कि कौन महत्वपूर्ण है और कौन महत्वपूर्ण नहीं है कुछ विषय हमारे ऐसे हैं जो हम नाइन टेन से पढ़ते आते हैं सिक्स सेवन से पढ़ते आते हैं पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं उनसे एक हमारा अपनापन हो जाता है लगता है कि हमारे नातेदार रिश्तेदार हैं हमारे फ्रेंड्स हैं हमारे सब कुछ अपने टाइप के हैं उस विषय को जब हम पढ़ते हैं यूपीएससी में भी तैयारी करते समय तो लगता है कि सब पढ़ा हुआ है अपना है उसमें रुचि हमारी बढ़ जाती है हम उसी पर फोकस्ड हो जाते हैं और बहुत सारे नए जो सब्जेक्ट डाले गए हैं इसमें जो आप सिक्स सेवन्थ एर्थ नाइन्थ में नहीं पढ़े हो उस सब्जेक्ट से आप उदासीन हो जाते हो और जैसे ही आप उदासीन हो जाते हो यहीं पर आप फंस जाते हो अक्सर हम पेपर वन में हिस्ट्री पढ़ते हैं जोग्राफी पढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी को इग्नोर कर देते हैं जबकि इंडियन सोसाइटी की क्या भूमिका है पेपर वन में हम लोग देखेंगे पेपर टू जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पॉलिटी अच्छा से पढ़ते हैं आई को इग्नोर कर देते हैं सोशल जस्टिस को इग्नोर कर देते हैं जबकि इसका भी क्या रोल है आप पेपर टू पढ़ते समय आपको समझ में आता है पेपर थ्री जब हम लोग पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट इग्नोर हो जाता है इन्वामेंट इग्नोर हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी इन इन इग्नोर हो जाता है हम साइंस टेक तो पढ़ लेते हैं हम इकोनॉमी भी पढ़ लेते हैं लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है उसको हम छोड़ देते हैं उसी तरह से एथिक्स भी हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है तो मेरा सजेशन होगा पहला जो इस एग्जाम को पास करने की स्ट्रेटेजी है जो बेसिक स्ट्रेटेजी है और डिफ्थ में भी यह स्ट्रेटेजी है जो क्लास के क्रम में हम बीच बीच में बताते रहेंगे आपको वो है कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट यूपीएससी ने दिया है आपका धर्म है आपकी ड्यूटी है कि आप उसको पढ़े ओवर स्मार्ट बन करके आप उसको इग्नोर न करें ये नहीं आता है ये आता है ये नहीं आता है इस पर ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है आपने देखा होगा एंसियंट और मिडाइव हिस्ट्री से इस बार सवाल ज्यादा पूछ दिया गया जबकि लोग करके आ रहे थे लोग समझ के आ रहे थे कि मॉडर्न को ही पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है वहीं से सवाल ज्यादा रहेगा ये यूपीएससी है कब कहां फैल जाएगी कब कहां पूछ देगी इसका कोई भरोसा नहीं है तो हम रिस्क क्यों ले जिस एग्जाम को पास करने के लिए हमने इतना गंभीरता से तैयारी शुरू की है मुझे लगता है कि उसमें किसी भी तरह का जीरो परसेंट रिस्क नहीं होना चाहिए इसलिए आप सभी खंडों को पढ़ें ठीक है इसके बाद चाहे वो ऑप्शनल हो दूसरा पॉइंट आप लिखिए फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट सात पॉइंट है मात्र वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन दोनों का विस्तृत अध्ययन करें गहन अध्ययन करें और समझ आधारित अध्ययन करें सेकंड पॉइंट भी आप लिखिए वैकल्पिक विषय एवं सामान्य अध्ययन का विस्तृत विस्तृत गहन एवं समझ आधारित अध्ययन करें ये मैंने इसलिए कहा कि जब हम सेलेक्टिव हो जाते हैं तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाता है सेलेक्टिव हम तब होते हैं जब प्रीलिम्स पास कर गए और हमें मेंस के लिए जाना है समय हमारे पास कम है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के और हम सेलेक्टिव हो सकते हैं लेकिन जब हम शुरुआत कर रहे हैं जब ये प्रारंभ होता है हमारी तैयारी का मुझे लगता है कि ऐसे समय में सेलेक्टिव हम क्यों हो हम एक प्रॉपर तैयारी करें हम टारगेट करें कि दो साल हमारी तैयारी का वर्ष होगा और दो साल में हमें अपने पूरे सिलेबस को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है ये तैयारी की रणनीति है क्योंकि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न बहुत ऊपर के लेवल पर नहीं पूछे जाते हैं डेफ्थ प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो केवल सेलेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं पूरे विस्तृत होते हैं सिलेबस से तो सिलेबस का पूरा सिलेबस का अध्ययन करना है एक्सटेंशन देकर के अध्ययन करना है डेफ्थ अध्ययन करना है और पढ़ते समय एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है बच्चा क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसका उत्तर आप अपने समझ के आधार पर ही दे सकते हो ऐसा नहीं है कि आपने रट लिया है और आप उसको दे दोगे आंसर जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप उसका बेस्ट आंसर नहीं दे सकते और मैं यहां पर एक और बात कर दूं ये पूरा का पूरा खेल जो है बच्चा मैंने अगर आपसे कहा कि आपका सिलेक्शन जो है वो 850 अगर कट ऑफ आप ले आते हैं तो 850 पे आपका सिलेक्शन होगा 850 पे आपका इंटरव्यू कॉल होगा 850 आपके लिए सेफ है इंटरव्यू कॉल के लिए 800 पे भी हो रहा प्रश्न ये उठता है कि अगर 850 पे इंटरव्यू कॉल होता है बच्चा तो ध्यान दीजिएगा पंद्रह हजार बच्चे इंटरव्यू मीन्स लिख रहे हैं तो पंद्रह हजार बच्चों में से लगभग सात हजार बच्चे केवल सौ नंबर के डिफरेंस पर डिसक्वालीफाई होते यानी सात सौ पचास से आठ सौ पचास अगर आठ सौ पचास लास्ट कट ऑफ है तो 750 से 850 के बीच में लगभग सात हजार बच्चे होते तो सोचिए आप दो नंबर कम आकर के डिस्कवालीफाई कर गए पांच नंबर कम आकर के डिस्कालीफाई कर गए केवल पचास नंबर के डिफरेंस पर डिस्कालीफाई करने वाले लगभग तीन हजार बच्चे होते थ्री थाउजेंड बच्चे तीन हजार से चार हजार बच्चे तो जो पंद्रह हजार बच्चे मेंस लिख रहे हैं उनको कंपटीशन से बाहर कीजिए ना आप मान के चलिए कि आपका कंपटीशन सात हजार बच्चों के बीच है सेवन थाउजेंड और सेवन थाउजेंड में आपको तीन हजार में आ जाना है फाइनली एक हजार में आ जाना है तो सेवन थाउजेंड में जो बच्चे पचास नंबर के लिए डिस्कवालीफाई होते हैं उसमें आप रहे सौ नंबर के लिए डिस्कवालीफाई होते हैं साठ नंबर के लिए डिस्कवालीफाई होते हैं यानी कट ऑफ से साठ नंबर कम आया अगर आप उसमें हैं तो आप गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें मानकर के अगर हम इस एग्जाम को देखते हैं तो इस पार और उस पार में मात्र 50 से 60 नंबर का फर्क होता है बच्चा 100 नंबर मान ले इसका मतलब है कि 60-70 नंबर अधिक पाकर उस पार और 60-70 नंबर कम पाकर इस पार यानी कि हमें सफल होने के लिए हमारे लिए 50-60 नंबर मायने रखता 100 नंबर मायने रखता सौ नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पेपर वन में अगर हम जनरल भीड़ से पंद्रह नंबर अधिक लेकर चले जाते हैं पेपर टू में पंद्रह नंबर अधिक लेकर चले जाते हैं पेपर थ्री पेपर फोर तो हमारा साठ नंबर का लीड मिल जाता यानी चारों पेपर में हमको जीएस में साठ नंबर का लीड मिल जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमको अगर ऐसा ही करें तो तीस नंबर का लीड मिल जाता है पेपर वन में पंद्रह नंबर पेपर टू में पंद्रह नंबर और निबंध में अगर हम भीड़ से अलग हो जाते हैं में अगर हम अलग हो जाते हैं तो यहां पर भी हमको पंद्रह नंबर का लीड मिलता है एक सौ पाँच नंबर का लीड मिल जाता है बच्चा और एक सौ पाँच नंबर जनरल भीड़ से प्लस करके हम उस पार चले जाते हैं हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है इसका मतलब हुआ कि पूरा का पूरा खेल जो है वो हंड्रेड मार्क्स का है और हमारा स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर इस भीड़ से हंड्रेड मार्क्स प्लस लाए हम भीड़ से अपने को अलग करें हम अपने को स्पेशल बनाएं और स्पेशल बनाने के लिए आपको मात्र 100 नंबर प्लस करना है मतलब हर पेपर में 15 नंबर प्लस करना है तो अगर आप जीएस पेपर वन को लेते हो बच्चा तो 15 नंबर प्लस करना है यानी हिस्ट्री पढ़ते हो, थो बेहतरीन पढ़ तो हो थोड़ा बेहतरीन पढ़ लोगे तो क्या पांच नंबर प्लस नहीं कर सकते हो इंडियन सोसाइटी थोड़ा बेहतरीन पढ़ लोगे तो क्या पांच नंबर प्लस नहीं कर सकते हो जोग्राफी थोड़ा बेहतरीन पढ़ लोगे तो क्या पांच नंबर प्लस नहीं कर सकते हो हमें यह ध्यान देना है कि हमें मास से अपने को अलग करना और पेपर वन के लिए मात्र पंद्रह नंबर चाहिए अब बताओ कि इतना शॉर्टकट कंपटीशन है पंद्रह नंबर पंद्रह नंबर पंद्रह नंबर और ऐसे कंपटीशन में आपने इंडियन सोसाइटी को ही इग्नोर कर दिया सोशल जस्टिस को ही इग्नोर कर दिया आईआर को इग्नोर कर दिया डिजास्टर मैनेजमेंट को इग्नोर कर दिया आप इकोलॉजी को इग्नोर कर दिया इंटरनल सिक्योरिटी को इग्नोर कर दिया तो फिर यूपीएससी कभी आपको माफ नहीं करेगी क्योंकि इसकी भरपाई आप बाकी विषय में नहीं ला सकते हो बच्चा इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी आपका जो सिलेबस यूपीएससी ने दे रखा है उस सिलेबस को एलोबरेट करके पढ़ें विस्तृत करके पढ़ें विस्तारित करके पढ़ें दूसरा डेफ्थ एनालिसिस करें क्योंकि प्रश्न सतही तौर पर नहीं है गहन है तीसरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें आपकी समझ बेहतरीन होनी चाहिए आप आई के लिए सेलेक्ट हो रहे हो आपको देश की जिम्मेदारी दी जाएगी आप अलग अलग मंत्रालय में कालांतर में सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी बनोगे अलग अलग योजना अलग अलग नीतियां बनाने का काम आप ही को दिया जाएगा इतना बड़ा निर्णय आपको लेना है तो निश्चित तौर पर इस परीक्षा की प्रणाली इस तरह की होगी या होनी चाहिए आप ही को अगर डेवलप करना है इस परीक्षा की प्रणाली को कि कम से कम समझ वाले बच्चों का सिलेक्शन किया जा सके बेहतरीन बच्चों का सिलेक्शन किया जा सके इसलिए आपको जब भी कोई भी चीज पढ़े तो रट्टा मारने के बजाय आप कोशिश करें कि उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो एक समझ डेवलप हो दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट है आपका हटा दीजिए और वो ले आइए तीसरा है वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में लाइन को ध्यान से पढ़ो बच्चा वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल सभी विषय वस्तुओं से संबंधित करंट अफेयर्स का अध्ययन करके अपने उत्तर को प्रासंगिक बनाए तीसरा पॉइंट है वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल सभी विषय वस्तुओं से संबंधित करेंट अफेयर्स का अध्ययन करके अपने उत्तर को प्रासंगिक बनाए अपने उत्तर को प्रासंगिक बनाए आपने लिख लिया ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका एक जनरल स्टडीज है ऑप्शनल और जीएस के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड अगर कुछ भी करंट अफेयर्स होता है तो उसको पढ़ें और अपने आंसर को रिलेवेंट बनाने का प्रयास करें यह स्ट्रेटेजी हमारी करंट अफेयर्स के बारे में है कि क्या आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है तो क्या पढ़ना है कई बच्चे आके पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें अरे भैया क्या पढ़ें हम क्या बताएं आपको अरे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है जो आपके सिलेबस के टॉपिक और सब टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ भी करंट में निकल रहा है तो आप उसको पढ़िए आपको अपने सिलेबस को बेहतर तैयार करना है उसके सराउंडिंग में जितना भी करंट अफेयर्स अखबार या कहीं पर भी आ रहा है उसको आपको देखना चाहिए क्योंकि यही आपके आंसर को रिलेवेंट बनाता है ठीक है बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां पर करंट अफेयर्स नहीं अब हिस्ट्री है तो उसमें करंट की चीजें बहुत नहीं है बहुत गुंजाइश नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं पर करंट अफेयर्स की गुंजाइश ज़्यादा है दुर्भाग्य से मैं जिस विषय को पढ़ाता हूं उसमें करेंट ही करेंट है चाहे सोशल जस्टिस हो इंडियन सोसाइटी हो इंटरनल सिक्योरिटी इसके अलावा आई पूरा का पूरा करंट है इन्वॉर्मेंट इकोलॉजी करंट है साइंस टेक करेंट है इकोनॉमिक्स करेंट है तो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर करंट अफेयर्स की फंक्स संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है बाकी सभी विषयों में करंट अफेयर्स की संभावना है तो आपके सामने आपका सिलेबस याद हो होना चाहिए इसलिए मैं आपको क्लास के साथ साथ कुछ होमवर्क भी देता जाऊंगा और हमारा होमवर्क पहला है आपका कि आप कल से कोशिश करें कि आपका सिलेबस याद रहे कंठाग्र रहे मैंने जो सिलेबस आपको दिया है बच्चा बहुत छोटा सिलेबस है यूपीएससी का पूरा सिलेबस मेरा वाला तो याद रहना ही चाहिए दो पेज का है यार इसको तो गद में पद में छंद में दोहा में सोरठा में कविता में गीत में संगीत कहीं भी याद कर सकते हो हर जगह चिपका दो अपने घर में वॉशरूम के दरवाजे पर चिपका दो कमरे में चिपका दो चारों तरफ चिपकाए रखो क्यों नहीं याद होगा बट आपका सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए क्या पढ़ना है आपके दिमाग में होना यही हम अगर नहीं जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है तो हम अंधेरे में भटकते रहेंगे बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं साल भर से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेबस उनको याद नहीं है अरे यार दो पेज का जब सिलेबस नहीं याद कर सकते हो और आप आईएएस बनने का खाब देख रहे हो क्यों आपको आईएएस बनाया जाए आप सोचो तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग साथ में अब शुरू किए हैं आज से मेरा क्लास शुरू है तो मैं चाहूंगा कि मैं जो आपसे आपको टास्क दूं आप उसको पूरा करें और हम मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें तो इसमें पहला टास्क मैं आपको देता हूं आज से कि आपके जीएस के चारों पेपर का प्रीलिम्स का सिलेबस ऑप्शनल का सिलेबस जो भी आपका ऑप्शनल है कंठाग्र होना चाहिए कसम खाओ मां कसम बाप कसम देवी कसम दुर्गा कसम जो भी कसम खाते हो अल्लाह कसम कि आप तीन दिनों के अंदर में पूरा सिलेबस रटोगे आप कमिटमेंट करो मुझे वादा करो मुझे मैं आपसे वादा लेता हूं तब देखो मजा आएगा पढ़ने में भी पढ़ाने में भी सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए हम क्यों पूछने जाएं कि सर करंट में क्या पढ़े यार जो सिलेबस से रिलेटेड चीजें हैं वो करंट में हम पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग में होना चाहिए ठीक है हर जगह हम अपने आंसर में करंट को जोड़ करके आंसर को बेहतर बना सकते हैं और हमने बार बार कहा कि हमें अपने आंसर को बेहतर बनाना है क्योंकि तो जब तक बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक वो पंद्रह नंबर बीस नंबर जो प्लस करना है यार पेपर में जनरल बच्चों से हमें अपने को सेपरेट करना है बेहतरीन करना है वो नहीं कर पाएंगे इसके लिए जरूरी है कि करंट अफेयर्स बिल्कुल ताजा हो और इससे करंट अफेयर से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है हमने भी सब वस्तु को पढ़ा है उसमें क्या कंटेम्प्रोरी चीजें घटित हो रही है वो चीजें दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारा चौथा पॉइंट है सामान्य अध्ययन की तैयारी एकीकृत रूप से करें पहले लिखते जाओ तब मैं डिक्टेट करता जाऊंगा सामान्य अध्ययन की तैयारी एकीकृत रूप में करें सामान्य अध्ययन की तैयारी एकीकृत रूप में करें आपने लिख लिया एकीकृत एक तो बातें मैं आपको बताऊं यूपीएससी ने सिलेबस किसको दिया है पढ़ने को आपको या सोशियोलॉजी के टीचर एस एस पांडे को आपको या आपके जोग्राफी के टीचर को आपको या आपके पॉलिटी के टीचर को आपको या आपके इकोनॉमी के टीचर को यूपीएससी ने सिलेबस आपको पढ़ने के लिए दिया है ये बात को ध्यान से सुनो इकोनॉमी वाले आएंगे इकोनॉमी पढ़ाकर चले जाएंगे मैं आऊंगा अपना खंड पढ़ाकर चला जाऊंगा पॉलिटी वाले आएंगे पॉलिटी पढ़ाकर चले जाएंगे जग्रफी वाले आएंगे जग्रफी पढ़ाकर चले जाएंगे यूपीएससी जब सवाल पूछेगी तो पॉलिटी वाले टीचर से नहीं पूछेगी ज्योग्राफी वाले टीचर से नहीं पूछेगी हिस्ट्री वाले टीचर से नहीं पूछेगी सोशियोलॉजी वाले टीचर से नहीं पूछेगी यूपीएससी जब भी सवाल पूछेगी वो आपसे पूछेगी और यूपीएससी को पता है कि आपको हिस्ट्री भी पढ़ लिए हैं पॉलिटी भी पढ़ लिए हैं इकोनॉमी भी पढ़ लिए हैं सोशोलॉजी भी पढ़ लिए हैं सब कुछ पढ़ लिए आप और जब यूपीएससी सवाल पूछेगी आपसे तो जरूरत पड़ने पर वो टॉपिक को इंटीग्रेट भी कर देगी यानी कई जगहों पर सोसाइटी को पॉलिटी से जोड़ देगी सोसाइटी को इकोनॉमी से जोड़ देगी इकोनॉमी को पॉलिटी से जोड़ देगी पॉलिटी सोसाइटी को एथिक्स से जोड़ देगी कहीं पर भी जोड़ के सवाल पूछा जा सकता पूछा गया है पूछा जा रहा है ऐसे सवाल होंगे जिसका आंसर केवल एक सेगमेंट पढ़ के आप नहीं दे सकते इंटीग्रेट करना जोड़ना और हम सभी शिक्षक आपको अपना अपना विषय पढ़ा के जाएंगे तो जोड़ने की जिम्मेदारी किस पर गई आप पर गई यह आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है बच्चा कि आप अपने जो भी विषय अलग अलग शिक्षकों से पढ़ते हो आप कैसे उसको इंटीग्रेट करते हो और इंटीग्रेट करके कैसे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो और जब इंटीग्रेट करके आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तभी जाकर के यूपीएससी के वैसे प्रश्नों का आप आंसर दे सकते हो इसलिए ये हमारी स्ट्रेटेजी का चौथा पॉइंट है कि जो भी आपके अलग अलग सेगमेंट है अलग अलग टॉपिक है एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं एक सवाल इंटरनल सिक्योरिटी में पूछा गया है इंटरनल सिक्योरिटी में पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 244 ट्राइबल कम्युनिटी के इंपावरमेंट और वेलफेयर से रिलेटेड है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 जनजातीय समुदाय के कल्याण और उपाय से जुड़ा हुआ है स्टॉप फिर इसी में सवाल कह रहा है कि फिफ्थ शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिफ्थ शेड्यूल है उसका सही क्रियान्वयन नहीं होने का सही क्रियान्वयन नहीं होने का वामपंथी विचारधारा के उग्रपंथ पर क्या प्रभाव पड़ा है अब देखो कितना लिंदी टाइप का सवाल दिखाई दे रहा ये आंतरिक सुरक्षा का सवाल है वामपंथी वामपंथी विचारधारा का का उग्र पंथ मतलब हुआ उग्रवाद नक्सलवाद नक्सलवाद जिसको आप कहते हो ये पर सवाल है अब इसको थोड़ा सा सहज हम करते हैं वामपंथी विचारधारा के उग्र पंथ की जगह पर हम नक्सलवाद शब्द का प्रयोग करते हैं इस प्रश्न का सरलीकरण अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रश्न बन रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 244 में ट्राइबल कम्युनिटी के वेलफेयर और एम्पावरमेंट से जुड़े हुए प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फिफ्थ शेड्यूल के सही क्रियान्वयन नहीं होने का नक्सलवाद पर क्या प्रभाव पड़ा है अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले तो 244 और फिफ्थ शेड्यूल के प्रोविजन को आपको जानना होगा और यह जानकारी फिफ्थ शेड्यूल का प्रोविजन क्या है यह आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा पॉलिटी में आपने पढ़ा वहां पर आप फिफ्थ शेड्यूल के बारे में पढ़े टू फोर्टी फोर के बारे में पढ़े अब फिफ्थ शेड्यूल का सही क्रियान्वयन होना या नहीं होना सिक्स शेड्यूल का सही क्रियान्वयन होना या नहीं होना उसका क्या इवेल्युएशन है क्या समीक्षा है ये सोशल जस्टिस में आप पढ़ते ये आप सामाजिक न्याय के खंड में सेकेंड पेपर में पढ़ते और फिर इन सब का क्या नक्सलवाद पर प्रभाव है ये आंतरिक सुरक्षा में सवाल पूछा गया है अब इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको तीनों विषय का नॉलेज होना चाहिए तीनों विषय का नॉलेज तो तीनों टीचर बता के चले जाएंगे लेकिन कैसे तीनों को आपको इंटीग्रेट करना है और यूपीएससी के प्रश्नों का उत्तर देना है आपको रीजनलिज्म पेपर वन में है आपके इंडियन सोसाइटी में और पृथक राज्य की मांग पॉलिटी का भी पार्ट है अब पृथक राज्य की मांग के पॉलिटी वाले खंड से रीजनलिज्म को जोड़ करके सवाल बनाया जा सकता है बनाया गया है इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपकी क्षमता इतनी होनी चाहिए समझ के लेवल पर अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर कि आप सभी सेगमेंट जो भी है आपके सभी सेक्शन जो भी है आपके सबको इंटीग्रेट करके आप एक एंसर फ्रेम कर सके एंसर लिख सके तभी आपको बेहतर नंबर आएगा मेंस लिख लेना और मेंस को क्वालिफाई कर जाना दोनों अलग अलग चीजें मैंने अभी अभी कहा कि पंद्रह हज़ार बच्चे मेंस लिखते हैं तीन हजार बच्चे क्वालीफाई करते हैं और एक हज़ार बच्चे फाइनली सिलेक्शन पाते हैं हमारे लिए मेंस लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चा हमारे लिए मेंस को पास करना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए फाइनल सिलेक्शन पाना इंपॉर्टेंट है और जब हम फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं तो जीरो मिस्टेक होना चाहिए इसलिए हमारी चौथी स्ट्रेटेजी ध्यान रखो हमेशा पढ़ते समय सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करने का प्रयास करो देखो कि एक सेक्शन टीचर पढ़ा रहे हैं दूसरे सेक्शन में कहां से सवाल पूछा जा रहा ये समझ आपको कैसे बनेगी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे इसलिए दूसरा सबक आपका दूसरा होमवर्क आपका कि आप सिलेबस याद करने के साथ साथ आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैंक होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपकी स्टडी होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया किस तरह का सवाल पूछा गया कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे और फिर आपका पांचवा फिफ्थ में जो है बच्चा वो है हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं मींस में आजकल सी सेट भी इग्नोर कर रहे हैं बच्चे और इस बार सी सेट में काफी परेशानी हुई है हमारे बच्चों को इसलिए प्रीमियम्स के लिए बार बार ये सजेशन हर जगह से आपको दिया जा रहा होगा कि सी सेट को भी आप बेहतर तरीके से तैयार करें लेकिन एक और कमी आपकी होती है कि आप अंग्रेजी को कंपलसरी को मान के चलते क्वालिफाइंग है आपको जानकारी होनी चाहिए कि ढेर सारे बच्चे मीन्स में अच्छा लिखने के बाद भी उनकी कॉपी जांची नहीं जाती है क्योंकि वो इंग्लिश में डिस्कवालीफाई हो जाते तो आपका सारा मेहनत बेकार हो गया इसलिए बेहतर तैयारी यही कहलाती है कि कम से कम हमारा मेहनत मेहनत बेकार ना हो हम जिन विषयों को पढ़ने के लिए दो साल का समय दिए और थोड़ा सा के लिए हम मिस्टेक किए कि हमने इंग्लिश को ध्यान नहीं दिया इग्नोर किया और इंग्लिश में डिस्कवालीफाई हो गए तो दो साल की हमारी पूरी पढ़ाई और हमारा पूरा का पूरा मींस एग्जाम लिखा हुआ सब कुछ चेक नहीं होगा बेकार चला गया इसलिए मेरा जो फिफ्थ स्ट्रेटेजी है सजेशन है आप लोगों को वो यही है कि आप इंग्लिश को इग्नोर ना करें ये भले क्वालिफाइंग है बट इसको आप अच्छा से तैयार करें और दूसरा एस को भी हम इग्नोर करके चलते हैं एस को हम इग्नोर करके चलते हैं एस के संदर्भ में हम ट्रिकल डाउन थ्योरी पे भरोसा करते हैं कि अगर हमें जीएस पढ़ लिया तो निबंध तो हम लिख ही देंगे लिख दोगे इसमें कोई शक नहीं है आप निबंध की बहुत ज्यादा तैयारी किए बिना दो दिन चार दिन का तैयारी केवल करके आप निबंध लिख देते हो निश्चित तौर पर निबंध राइटिंग स्किल की चीज है लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो कि अगर बिना तैयारी के निबंध लिखते हो और सौ नंबर पाते हो और अगर दो महीना निबंध की तैयारी पर देते हो तो क्या 115 नंबर नहीं लाया जा सकता है क्या 15 से 20 नंबर उसमें प्लस नहीं किया जा सकता है अगर बिना किसी तैयारी के निबंध लिखते हो 150 नंबर ले आते एक नंबर ले आते और अगर उस पर दो तीन महीना समय देते हो तो क्या 15-20 नंबर प्लस नहीं करते हो और यार ये 15-20 नंबर जो प्लस होगा यही तो हमें स्पेशल बनाएगा मैंने शुरू में ही कहा है कि हर जगह हमें 15-20 नंबर प्लस करके ही स्पेशल में आना है इसलिए मैं कहूंगा कि निबंध को भी आप इग्नोर नहीं करो निबंध को भी प्रॉपर तो इंग्लिश कंपलसरी और इससे ये दोनों हम लोग इग्नोर करते हैं जनरल बच्चे इग्नोर करते हैं तो यहां पर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इसको आपको इग्नोर नहीं करना है ये हमारी तैयारी की रणनीति में शामिल होना चाहिए और फिर आता है सिक्स नंबर पॉइंट हमारी आदत क्या होती है बी ए पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री एग्जाम देते समय हमने क्वेश्चन देखा क्वेश्चन में दिख गया हरित क्रांति खुश हो गए अब हरित क्रांति पे जो भी याद है वो हमने धड़ाधड़ 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 लिखना शुरू किया ये हमारी एंसर राइटिंग का पहला मिस्टेक है अरे यार हरित क्रांति केवल देख करके आप अपना एंसर मत लिखो आप हरित क्रांति केवल देख करके शब्द अपना आंसर मत लिखो आप पूरा पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन की डिमांड क्या है और इस बात का पता कैसे चलेगा आपको जब प्रश्न के अंत में जो शब्दावलियां दी रही, दी गई होती है एक्सप्लेन एलोबरेट इलुस्ट्रेट डिफाइन इवेल्युएट एग्जामिन एनालाइज अकाउंट फॉर डिस्कस कमेंट लगभग 30-35 शब्द हैं जो यूपीएससी में भी और आपके बी एम के परीक्षाओं में भी प्रश्न के अंत में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये शब्द ही है जो प्रश्न के डिमांड को निर्धारित करते हैं कि प्रश्न की डिमांड क्या है अगर प्रश्न में एलोबरेट है एलोस्ट्रेट है तो प्रश्न की डिमांड कुछ अलग होगी और अगर प्रश्न में एनालाइज शब्द यूज किया गया है इवेल्युएट शब्द यूज किया गया एग्जामिन शब्द यूज किया गया अकाउंट फॉर शब्द यूज किया गया है तो प्रश्न की डिमांड कुछ और है और आपका आंसर का फॉर्मेट प्रश्न के डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए न कि हरित क्रांति देखा और शुरू हो गए जो जो आया वही लिखती है नो no. इसलिए मैं कहूंगा कि हमें यह ध्यान में रखना होगा कि प्रश्न की डिमांड क्या है इसलिए प्रश्न को हमें पूरा पढ़ना होगा प्रश्न के अंत में यूज किए गए शब्दों को समझना होगा देखना होगा और तब फिर प्रश्न की डिमांड को समझ करके प्रश्न के आंसर को फ्रेम करना होगा चाहे वो प्रश्न डेढ़ सौ शब्दों का है चाहे वो प्रश्न ढाई सौ शब्दों का है चाहे वो प्रश्न ऑप्शनल वाला है ये ये हर जगह आपके लिए जरूरी है ये सबक आपके लिए हमेशा याद रखनी चाहिए प्रश्न को पूरा पढ़ें, प्रश्न की डिमांड को समझें और प्रश्न की डिमांड को समझते हुए उसके आंसर की फ्रेमिंग करें उसका आंसर राइट करें क्योंकि तो हमें भीड़ से अलग होना है और हमें सौ नंबर प्लस करना है उसके लिए आपको यह ध्यान देना होगा इसलिए आप लिख सकते हैं छह नंबर पॉइंट लिखिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न के अंत में प्रश्न के अंत में दिए गए शब्दावली प्रश्न के अंत में दिए गए शब्दावली ब्रैकेट में एक्सप्लेन कॉमा डिस्क्राइब कॉमा एलुबरेट कॉमा इलुस्ट्रेट कॉमा डिफाइन कॉमा, इवेलुएट कॉमा, एग्जामिन कॉमा, अकाउंट फॉर कॉमा, एनालाइज, एटीसी इत्यादि और बहुत सारे शब्द हैं ब्रैकेट बंद के आधार पर के आधार पर प्रश्न की मांग को समझते हुए उत्तर लिखे प्रश्न की मांग को समझते हुए उत्तर लिखे प्रश्न की मांग को समझते हुए उत्तर लिखे ठीक है आपने लिख लिया हम लोग एक क्लास करेंगे बच्चा और ये जो तीस पैंतीस वर्ड है ध्यान देना ये तीस पैंतीस वर्ड का क्या मतलब होता है अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह के शब्द हैं तो उसकी क्या डिमांड है क्वेश्चन की और उसके अकॉर्डिंगली क्या आंसर की फ्रेमिंग होनी चाहिए इस पर मैं एक क्लास आपका लूँगा वो क्लास थोड़ा लंबा होगा लेकिन उम्मीद मैं करूंगा कि प्रश्न के आंसर की फ्रेमिंग आपके दिमाग में बैठ जाए और फिर आप कैसे आंसर लिखना है हो सकता है पहले आपने ऐसा कर रखा भी होगा आपको समझ में आ गया होगा या हो सकता है मैंने दोबारा रिपीट कर दिया बट अगर नहीं रिपीट किया होगा और अगर आपको ऐसा लगेगा या पहले से आपको जानकारी नहीं होगी तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा और एक क्लास हम सेपरेट आपका ले लेंगे अगर हमारे प्रश्न में डिस्कस है उसका आंसर की फ्रेमिंग क्या होगी और हमारे प्रश्न में एलोबरेट है तो उसके आंसर की फ्रेमिंग क्या होगी कई बार यूपीएससी हिंदी में सिमिलर शब्दों का प्रयोग करती है टिप्पणी कीजिए टिप्पणी लिखिए अब हिंदी में टिप्पणी कीजिए का अंग्रेजी होता है कमेंट कमेंट डॉट 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 और टिप्पणी लिखिए का मतलब होता है राइट ए शॉर्ट नोट्स अंग्रेजी में और राइट ए शॉर्ट नोट्स और कमेंट दोनों का आंसर फ्रेमिंग बदल जाता है बच्चा लेकिन हिंदी में अंग्रेजी हिंदी में उसका एक ही शब्द दिखाई देता है टिप्पणी लिखी और टिप्पणी कीजिए अब कीजिए और लिखिए में आंसर की फ्रेमिंग बदल जाए ये आपको समझना होगा कि क्या आंसर कीजिए में होगा और क्या आंसर लिखिए में होगा फ्रेमिंग और तब आप आंसर लिखेंगे तो बेहतर होगा तो इस पर मैं एक पूरा क्लास दे लूंगा तो आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा ठीक है या अगर आप कर लिए होंगे तो बस याद रखिए कि इस बात को ध्यान में आपको रखना चाहिए छ पॉइंट हो गया स्ट्रेटेजी का एक सेवेंथ पॉइंट हम लोग अभी लिखेंगे इसके पहले दो तीन मिनट में ब्रीफ कर दू इसके बारे में आप कितना ज्ञानी हो कितना पढ़े हो कितना जानते हो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका नॉलेज एग्जामिनर तक कितना पहुंचता है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जामिनर जो अंक देता है वो आपकी कॉपी को देख के देता है आपको देख के नहीं देता इसलिए इस एग्जाम को पास करने के लिए राइटिंग स्किल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है राइटिंग स्किल में बहुत सारी चीजें आती है जो क्लास के माध्यम से हम धीरे 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 आपको बताते रहेंगे राइटिंग स्किल में बहुत सारी चीजें आती है बट उसी का एक पार्ट है कि आप अपने आंसर को खूबसूरत बनाएं अभी हमने कहा कि प्रश्न को पूरा पढ़ें प्रश्न की मांगों के अनुसार अपने आंसर की फ्रेमिंग करें और फिर जब अपने आंसर की फ्रेमिंग करें और आंसर लिखना शुरू करें आंसर तो को सुंदर बनाएं इंप्रेसिव बनाएं एग्जामिनर के परसेप्शन को मैनेज करें क्योंकि परसेप्शन मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट में पार्ट ऑफ राइटिंग स्किल और परसेप्शन मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे एग्जामिनर को खुश करना है एग्जामिनर को अच्छा लगे और हर जगह इस तरह के परीक्षाओं में लिखा रहता है कि आप किताबी न हो आप अपनी मौलिकता को प्रदर्शित करें इस परीक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है आपकी मौलिक क्षमताओं को आइडेंटिफाई करना उसको जानना उसको समझना तो आपको जहां भी मौका मिले आपको अपनी मौलिकता को दर्शानी होगी किताबी न होकर जहां जहां मौका मिले आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होगी और एक क्रिएटिविटी कैसे आप दिखाएंगे ठीक है कि क्वेश्चन है उसके अंतिम शब्दों को आपने देखा उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर को फ्रेम कर लिया लेकिन कुछ और चीजें हैं जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं वो है डायग्राम वो है फ्लो तो चार्ट आप अपने आंसर में जगह जगह जहां भी हो सकता है डायग्राम और फ्लो चार्ट को यूज करें और अपने आंसर को इम्प्रेसिव बनाने का प्रयास करें आपका छठा पॉइंट यही है इसमें करंट अफेयर्स को भी जोड़ सकते हैं डायग्राम को भी जोड़ सकते हैं ये सारी ऐसी चीजें हैं जो तो यू कैन से लिपस्टिक पाउडर खूबसूरती तो भगवान ने दिया है बच्चा लेकिन अगर उसको थोड़ा सा लिपस्टिक पाउडर लगा दिया जाता है तो उसकी खूबसूरती निखर के आ जाती है लेकिन ध्यान रखना होगा कि इस लिपस्टिक पाउडर का एक लिमिटेशन होना चाहिए ऐसा न हो कि आप ये लिपस्टिक पाउडर या मेकअप इतना ज्यादा लगा दें कि खूबसूरती बदसूरती में बदल जाए तो एंसर में बड़े बैलेंस वे में आपको इन सभी चीजों को यूज करना चाहिए इसलिए सेवंथ पॉइंट आपके लिए मैं लिखवा रहा हूं इसको लिख लीजिए उत्तर लेखन में उत्तर लेखन में ग्राफ डायग्राम करंट अफेयर्स आदि के माध्यम से अपनी मौलिकता को प्रदर्शित करें उत्तर लेखन में ग्राफ डायग्राम करंट अफेयर्स आदि के माध्यम से अपनी मौलिकता को प्रदर्शित करें ठीक है यह है बच्चा कुछ बेसिक स्ट्रेटजी, जो आज मैं सोचा कि गपसप की प्रक्रिया में आज हमारा आपके साथ एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी क्लास है इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है कि हम अपना इंट्रोडक्शन आपको दे अपने विषय का इंट्रोडक्शन भी आपको दे जब भी हम पढ़ाने जाते हैं और इंट्रोडक्टरी क्लास होता है तो विषय का इंट्रोडक्शन भी इंट्रोडक्टरी क्लास का पार्ट होता है तो मैंने अभी के घंटे में मैंने अपना इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक एग्जाम के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे दिया अब हम लोग आते हैं अपने खंड पर जीएस पेपर वन इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर वन इंडियन सोसाइटी ये आज से मैं पढ़ाऊंगा आपको बच्चा आज से शुरू करूंगा तो थोड़ी सिलेबस पे चर्चा और थोड़े प्रश्नों पे चर्चा हम लोग आज कर लेंगे ठीक है और फिर टॉपिक पे हम लोग क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे जीएस पेपर वन भारतीय समाज आपको पता है जीएस पेपर वन की जो फ्रेमिंग है उसके तीन पार्ट है एक हिस्ट्री एक इंडियन सोसाइटी और तीसरा है आपका ज्योग्राफी। हिस्ट्री इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी। हिस्ट्री इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी। इंडियन सोसाइटी का पेपर वन में कितने सवाल होते हैं किस तरह के सवाल होते हैं किस तरह के सवाल पे बहुत गहराई से मैं क्लास के साथ जाऊँगा लेकिन एक आउटलाइन एक साल के क्वेश्चन लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर खड़ा हूं और 2022 में हम लोग देखेंगे कि किस किस खंड से कितने सवाल पूछे गए हैं आपके सामने 2022 पेपर वन का क्वेश्चन पेपर है 2022 जीएस पेपर वन मेंस का क्वेश्चन पेपर है इसके तीन खंड है इतिहास भारतीय समाज और भूगोल डन इतिहास से 2022 में छह सवाल पूछे गए हैं टोटल सवाल कितना होता है बच्चा 20 सवाल 20 क्वेश्चन होते हैं कुछ क्वेश्चन 10 अंकों के होते हैं और कुछ क्वेश्चन 15 अंकों के होते हैं 150 नंबर के होते हैं डेढ़ शब्दों में होते हैं और ढाई शब्दों में होते हैं। इस टी से सवाल पूछा गया है पेपर वन में पचहत्तर नंबर का सवाल आपके सामने है एक मध्यकालीन भारतीय मंदिरों से सवाल है एक ईस्ट इंडिया कंपनी मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल है एक 18वीं सदी के मध्य के से सवाल है एक प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं सदी के मध्य से सवाल है एक भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल से सवाल है एक भारतीय मिथक कला और वास्तुकला से सवाल है बारह नंबर तेरह नंबर ये क्वेश्चन नंबर है जो आपके मेन पेपर में नंबरिंग है वही नंबर यहां पर लाकर रख दिया गया है छह सवाल है पंद्रह नंबर पंद्रह नंबर अगर हम इसको नंबरिंग के हिसाब से देखें दस नंबर का एक सवाल दस नंबर का दूसरा सवाल दस नंबर का तीसरा सवाल तीन सवाल दस दस नंबर के हैं और तीन सवाल पंद्रह पंद्रह नंबर के हैं पंद्रह पंद्रह और पंद्रह इस तरह से टोटल छह सवाल पचहत्तर नंबर के इंडियन सोसाइटी में भी छह सवाल पूछे गए हैं 2022 में 75 नंबर के आपका एक सिलेबस है उसी सिलेबस के हिसाब से देखें आपका सिलेबस विवाह परिवार व्यवस्था है विवाह परिवार व्यवस्था में फैमिली सिस्टम पर एक सवाल है जो करेंट से जोड़ करके है कि अभी हाल में कोरोना पीरियड में जो वर्क एट होम का कंसेप्ट आया था उसका परिवार व्यवस्था पर क्या प्रभाव है आपका पहला सवाल है दस नंबर का दूसरा सवाल है शहरीकरण आपका टॉपिक है टीयर टू शहरों के विकास पर अर्बनाइजेशन आपका एक टॉपिक है और अर्बनाइजेशन से आपका एक सवाल है इसके बाद तीसरा भारतीय समाज की जब हम बात करते हैं तो एक समाज गांव में रहता है ग्रामीण समाज एक समाज शहरों में रहता है शहरी समाज और एक समाज जंगलों और पहाड़ों में रहता है उसको हम जनजातीय समाज कहते हैं जनजातीय है समाज पर आपका एक सवाल है जनजातीय समुदाय का और ये जनजातीय समुदाय से सवाल है डायवर्सिटी से आपका एक टॉपिक है भारत में विविधता डायवर्सिटी इन इंडिया डायवर्सिटी से एक सवाल आपका दिया हुआ है दस दस नंबर के तीन सवाल आपके हो गए चौथा सवाल आपका है धर्म और पंथ से भारत में जाति क्षेत्र और धर्म धर्म में कल्ट धर्म की कुछ शाखाएं होती है उसके कुछ उपभाग होते हैं उसी धर्म से सवाल है इसके बाद पांचवा सवाल आपका है सेकुलरिज्म से ये भी आपका डायरेक्ट टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता का और छठा सवाल है वैश्वीकरण से भूमंडलीकरण से ये भी आपका टॉपिक है वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव वैश्वीकरण से इस तरह से पंद्रह नंबर पंद्रह नंबर पंद्रह नंबर के तीन सवाल पैंतालीस नंबर और दस नंबर दस नंबर के तीन सवाल इस तरीके से इस सेक्शन में भी छह सवाल है और पचहत्तर नंबर के सवाल है राइट इसके बाद हम लोग आते हैं जग्रफ़ी और जग्रफी में आठ सवाल पूछे गए हैं सौ नंबर के क्लियर है आपका एक चट्टान से सवाल है मौसम विज्ञान विभाग चक्रवात से सवाल है दस दस नंबर के दूसरा सवाल दक्कन ट्रैप से है तीसरा सवाल पवन ऊर्जा से है चौथा सवाल आपका समुद्री धारा से है पांचवा सवाल आपका रबड़ उत्पादन से है इंडियन जोग्रफी छठा सवाल आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि स्थल संधि से है क्षोभ मंडल से अगला सवाल है इस तरीके से टोटल सवाल आपके पूछे गए हैं ये है एक प्रकार का इंट्रोडक्शन आपके प्रश्नों का इसी तरीके से अलग अलग सालों में भी आपके सामने सवाल है 2022 में 6 सवाल 75 नंबर के हैं बच्चा उसी तरीके से 2021 में पांच सवाल है पैंसठ नंबर के इसी तरीके से अलग अलग सालों में 6 सवाल 75 नंबर के तो लगभग इसी रेंज में आपके सवाल पूछे गए हैं और ये सवालों का पूरा का पूरा डिक्टेट मैंने आपको दे दिया है कहां पर मैंने आपको पहला जो दिया है पीडीएफ उस पहले पीडीएफ में ये सारी बातें लिखी हुई है पहला पीडीएफ आपका सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 से लेकर के 2022 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दे दिया है और वो क्वेश्चन आपको पढ़ना है देखना है वो आपकी जिम्मेदारी है जो पहले से मिली हुई है वो आप देखते चलेंगे और यहाँ पर हम क्लास में दिखाते चलेंगे और हम उसी को केंद्र में रख कर के सिलेबस और प्रीवियस ईयर केंद्र को केंद्र में रख कर हम आपको इस सेगमेंट को पढ़ाने का काम करेंगे